नाम कविता त्यागी है। मैम, जो स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है बच्चों से पिटवाने का, ये क्या मामला था, कब का मामला है? ये परसों का मामला है, और बच्चों से को पिटवाने का मकसद कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये कोई हिंदू मुस्लिम मामला करना, ये कोई ऐसा वो नहीं था। वो तो उन्होंने काट पीट करके वीडियो बना के डाल दी। ये जो बच्चा था जिसकी पिटाई की गई, उसका क्या नाम था, कौन सी क्लास का था? उसका नाम अल्तमस था, वो फर्स्ट क्लास का था। क्या ऐसी वजह थी कि जो साथी बच्चों से ही उनकी पिटाई करवानी पड़ी, या क्या नाम बताइए? उसके फादर एक दिन पहले जो है उसे पीटते हुए लाए, उस एक दिन पहले क्या उसी दिन, कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे थोड़ा टाइट करो आप। मैंने कहा उनका ठीक है, मैं टाइट कर दूंगी। तो मैं विकलांग हूँ, मेरे से बच्चे को उठ के मारा नहीं जाता, और तो मैंने सोचा दो चार बच्चे से एक आधा लगवाऊंगी तो ये बच्चा अपना काम करने लगा। बच्चा को इतनी तेज तो मार नहीं सकता। क्या करके नहीं लाया था उस दिन बच्चा? वो दो महीने से टेबल नहीं करके ला रहा था। उसकी नाराजगी की वजह से उसकी पिटाई? हाँ, बच्चे नाराजगी की वजह से क्या, वो तो यूं है कि बच्चा याद करने लगे, पढ़ने लगे। बस टीचर का काम तो खाली ये है कि बच्चा काम कैसे करे। मैडम, वायरल वीडियो में आप एक मुंडन शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या नौबत थी, आई टी की शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, ऐसा क्या था, क्या पूरी बात थी? मोमडन शब्द उन्होंने जो है और लाइन तो काट दी, और ये एक ही शब्द मोमडन उसमें रखा, क्योंकि काट पीट के बनाई गई थी। आपने क्या कहा था? और मैंने ये कहा था कि जितनी भी मोमडन माई हैं वो बच्चों को लेकर मामा के यहाँ मत जाएं, क्योंकि उससे क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे पढ़ाई का नुकसान होगा। चाहिए मामा के गया था, मामा के यहाँ जाते रहते थे, मतलब ये क्या नहीं, मैं और बच्चों से बोल रही थी ये। अच्छा, जैसे मैं बैठी थी तो बता रही थी बच्चों को कि भाई मैं डिक्लेयर कर रही थी कि ये ऐसे मत जा, मैं बच्चों को लेके। जो वीडियो सबसे बना रहा था वो कौन था? वो उसका चाचा था। क्या नाम था? उसका नाम नदीम था। अब क्या कहेंगे जब इतना मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बस देखो, मेरा तो इंटेंशन ये था नहीं कि मैं बच्चे हिंदू मुस्लिम की कोई बात ऐसी करूं, क्योंकि हमारे गांव में तो सब हिंदू मुस्लिम सब फैमिली रहते हैं, सबका आपस में पूरा सहयोग है। आप प्रबंधक हैं स्कूल के? मैं प्रिंसिपल हूं। अच्छा, आप ही का स्कूल है ना? मेरा ही स्कूल है। क्या नाम है स्कूल का? नेहा पब्लिक स्कूल। अच्छा, किस बात को लेकर इसमें समझौता आपने किया है? हम दोनों में अब समझौता हो चुका है, उसमें उन्होंने मुझसे फीस मांगी और एडमिशन फीस मांगी कि हम अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, और उन्होंने जो है मैंने उनका देकर फैसला कर लिया। क्या आपको कुछ पछतावा है इस घटना के बारे में? पछतावा तो है ही, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया जी। तो और वर्ल्ड लेवल का इन्होंने कर दिया, तो ये पछतावा तो है ही। गलती मानती हैं? मैं तो गलती मानती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा बना दिया, बस इस चीज़ का मुझे दुख है। क्या कहना चाहेंगे जो राजनीतिक रूप ये मामला लेता जा रहा है और इसमें एफआईआर की बात आ रही है? मैं राजनीतिक जो है उन्हें राजनीतिज्ञों को ये कहना चाह रही हूँ कि भाई ये बच्चे का मैटर था, छोटा सा मैटर था, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसमें नेताओं ने इतना ज़्यादा ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने, इन सब ने किया है, इतने अच्छे नेता, और इतनी छोटी हरकत, इतने छोटे से मामले को इतनी ऊंचे लेवल पर ले जाना बच्चों के लिए नुकसान का काम है, टीचर के लिए। टीचर कैसे पढ़ा पाएगा बच्चे को अगर ऐसी बातें हर रोज ही इस तरह की वायरल होंगी, इस तरह की बातें होंगी, बात को ना समझ के उस बात को अलग तरह से वो करके ट्रीट करके इस तरह से करेंगे तो ना तो टीचर पढ़ा पाएगी ना बच्चे अच्छी तरह से। आप पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, एफआईआर की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, वो तो देखो।